हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजय गिरी सर। वंस अगेन आई एम हियर विथ द टॉपिक नाउन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन्स, डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द नाउन्स। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कॉन्सेप्ट, रिवर एक्सेट्रा। नाउन्स आर डिवाइडेड इंटू फाइव मेन काइंड्स। नाउन को फाइव मेन काइंड्स में डिवाइड किया गया है एंड दीज काइंड्स आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन। हम लोग एक एक नाउन को डिस्कस करते हुए चलेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट इज कॉमन नाउन। A name given in common to every person or thing of the same class is called common noun. A name given in common to every person or thing of same class is called common noun. For examples, Hyderabad is a big city. अब सिटी क्या है? सिटी कैन बी एनी सिटी। इट कैन बी मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, जयपुर, कोई भी सिटी हो सकता है। सिटी क्या है? कॉमन नाउन। ओके, जैसे सी इज अ गुड गर्ल, तो गर्ल मीन्स कोई भी गर्ल हो सकती है। ये होल क्लास उस कैटेगरी में, गर्ल की कैटेगरी में, गर्ल की क्लास में आने वाले किसी भी गर्ल की बात को डिस्कस करती है। ओके गाइज, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, किंग सोलोमन वॉज वाइज किंग। अब यहाँ नेम दे दिया गया, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नाम दे दिया जाएगा तो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अब सोलोमन क्या है? वो पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति है। जब हम उसी की बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जब हम किसी पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे किंग सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। किंग सोलोमन क्या था? एक बुद्धिमान राजा था। तो सोलोमन क्या है? प्रॉपर नाउन। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। अब यहाँ कालिदास करने में, अगर हम पोएट की बात करें तो पोएट कॉमन नाउन है, किंग की बात करें तो किंग कॉमन नाउन है, लेकिन कालिदास नेम दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है तो इसलिए प्रॉपर नाउन होगा कालिदास। ओके गाइस, जैसे सोलोमन है, सोलोमन है किसी व्यक्ति, किसी राजा का नाम है, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। जब हम गैदरिंग या कलेक्शन या टुगेदरनेस की बात करते हैं तो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ कैटल। अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, तो अब यहाँ हर्ड क्या है? हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। हर्ड ऑफ कैटल्स मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हर्ड मीन्स क्या? ग्रुप, एनिमल्स की ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये हर्ड वर्ड जो हुआ हमको गैदरिंग या कलेक्शन के बारे में बता रहा है। दैट इज वाई हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। यही कारण है हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। चाबी का गुच्छा कहाँ है? टेबल पर है। अब चाबी, अगर हम चाबी की बात करें, की की बात करें तो कॉमन नाउन, लेकिन बंच ऑफ की, बंच की बात करेंगे तो बंच जो है ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये गैदरिंग या कलेक्शन की बात कर रहा है कि एक साथ बहुत सारी जब चाबियाँ होती है तो उसको हम बंच ऑफ कीज बोलते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम ऑफ अ क्वालिटी, अ स्टेट ऑफ माइंड और स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस इज अ वर्च्यू। काइंडनेस क्या है? इट इज अ क्वालिटी। तो जब हम क्वालिटी या स्टेट ऑफ माइंड या स्टेज ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सी और टच। इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। इट कैन बी ओनली फील। इसको केवल फील किया जा सकता है। जैसे काइंडनेस, अगर मैं बोलूँ आपको 2 किलो काइंडनेस देना तो आप दे सकते हो क्या? इट इज इम्पॉसिबल। काइंडनेस को केवल फील किया जाता है। ओके, तो काइंडनेस इज अ वर्च्यू। तो काइंडनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
और चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ. चाइल्डहुड क्या है? चाइल्डहुड भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि चाइल्डहुड दिखता नहीं, इसको फील किया जाता है बचपन. ओके तो यहाँ हियर काइंडनेस एंड चाइल्डहुड आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन ऑल दोज नाउन्स विच आर यूज टू रिफर मेटल्स एंड मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स. जो किसी मेटल या सब्सटेंस या मटेरियल को रिफर करते हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है. ओके गाइस, फॉर एग्जांपल द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड. द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड. अब गोल्ड क्या है? मटेरियल है, सब्सटेंस है, हम उसकी बात कर रहे हैं. द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक. हाउस किसका बना हुआ है? ईंट का बना हुआ है. चेन किसकी बनी हुई है? गोल्ड की बनी हुई है. तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन. ब्रिक क्या है? मटेरियल नाउन. इन द अबव एग्जांपल्स गोल्ड एंड ब्रिक्स आर द मटेरियल नाउन्स. ओके, दीज आर द फाइव मेन काइंड्स ऑफ द नाउन. नाउन्स आर ऑल्सो फर्दर क्लासीफाइड इन टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कैन बी काउंटेड और नॉट, एंड दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, तो फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट. फॉर एग्जाम्पल बॉय, वन बॉय, जैसे वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉय, इसको बॉय को काउंट कर सकते हैं. नोट द क्लासेज ऑफ द नाउन नोन एज कॉमन नाउन. जो नाउन की क्लासेज होते हैं कॉमन नाउन कहते हैं, बॉय, टेबल, एक्सेट्रा. एंड कलेक्टिव नाउन्स फ्लॉक, रेजिमेंट, क्राउड, आर्मी, टीम, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है. कैन बी इंक्लूडेड इन द लार्जर क्लास ऑफ द काउंटेबल नाउन. इनको काउंटेबल नाउन के लार्जर क्लास में ऐड किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? ऑल्सो कॉल्ड द नॉन काउंट नाउन्स कहा जाता है इनको. अनकाउंटेबल नाउन्स नेम थिंग विच कैन नॉट काउंट और यूजली डोंट काउंट. द क्लासेज ऑफ द नाउन्स आर नोन एज मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसके अंदर जो आते हैं वो मटेरियल नाउन्स आते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं. कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. और काउंटेबल नाउन में कौन कौन ऐड किए जा सकते हैं? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंक्लूड किया जा सकता. अनकाउंटेबल नाउन फॉल्स इन टू द फॉलोइंग ग्रुप्स. थिंग्स विच आर कंसिडर्ड इन मास और क्वान्टिटी. जो हमको द्रव्यमान या उसकी क्वांटिटी मात्रा बताती है उसके बारे में हम बात करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन होगा. एंड नॉट इन नंबर्स. जैसे सुगर, सैंड, हेयर, डस्ट, दीज आर द क्वांटिटी. वी कैन मेजर देम इन क्वांटिटी, नॉट इन द नंबर्स. अब सुगर को कोई नंबर में कर सकता है काउंट क्या? इट इज इम्पॉसिबल. सुगर को नंबर में काउंट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, जैसे मटेरियल्स के अंदर वुड, क्लॉथ, सिल्वर, गोल्ड, आयरन. लिक्विड के अंदर वाटर, मिल्क, ऑयल, इंक, हनी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है. ठीक है, अब पानी कोई गिन सकता है क्या? दूध गिन सकता है, ऑयल गिन सकता है. गैसेज में स्टीम, मिस्ट, नाइट्रोजन, ये क्या है? मास बताते हैं हमको. वी कैन नॉट काउंट देम. नेचुरल फेनोमेना, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ माइंड, क्वालिटीज, प्रोसेस, एक्शन, आइडियाज, एक्सेट्रा, लाइक करेज, हैप्पीनेस, फ्रीडम, अटेंशन, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, एंजॉयमेंट, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके गाइज, नाउ नोट अ नंबर ऑफ वर्ड्स यूज टू रिफर क्वालिटीज, स्टेट, एक्शन, एक्सेट्रा आर हाउ एवर काउंटेबल. दीज मे बी कंसिडर्ड एक्सेप्शंस. इनको एक्सेप्शन माना जाता है. एक्सेप्शन के देर आर सम एक्सेप्शन, दे कैन ऑल्सो बी काउंटेड. एग्जाम्पल्स जॉयज, सोरोज, ड्रीम्स, मिजरीज, एक्सेट्रा. ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, जैसे ब्रांचेज ऑफ लर्निंग जो होते हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है. इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा. नोट देर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स विच वी रिफर टू इन पार्ट्स. वेन वी डू सो वी यूज देम विथ एक्सप्रेशन सच एज पीस ऑफ, ग्रेन ऑफ, किलो ऑफ, एक्सेट्रा. हियर इज लिस्ट ऑफ सच एक्सप्रेशन. अ पीस ऑफ चॉक, अ केक ऑफ सोप, अ ब्लॉक ऑफ आइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लॉग ऑफ वुड, एक्सेट्रा. दीज एक्सप्रेशंस हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स. ये इनके प्लूरल फॉर्म होते हैं, जैसे पीसेज ऑफ चॉक, केक्स ऑफ सोप. ठीक है,
प्रॉपर नाउन्स आर कैटेगराइज आइदर एज काउंटेबल नाउन्स और एज अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ स्टडी केयरफुली सम रूल्स रिलेटेड टू द करेक्ट यूज ऑफ नाउन्स. अब हम लोग नाउन का करेक्टली कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे. अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म. प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर इट, या इसके पहले जब आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फाइव गांधीज इन आवर कॉलेज. देयर आर फाइव गांधीज इन आवर कॉलेज. विजय कुमार इज द मिल्टन ऑफ योर कॉलेज. ओके, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अब ये कॉमन नाउन हो गए. ओके, रूल नंबर टू, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द होल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट. कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे मेंबर या पार्ट हो सकते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द होल ग्रुप, होल कलेक्टिव नाउन दैट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर नाउन एंड इट टेक्स ऑल्सो सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी कंसिस्ट ऑफ फाइव मेंबर्स. अब कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है और सिंगल सिंगुलर के रूप में यूज हुआ, इसीलिए कंसिस्ट में यस लग गया, कंसिस्ट हो गया ऑफ फाइव मेंबर्स. इवन देयर आर फाइव मेंबर्स इन द कमेटी, बट आई वुड नॉट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फाइव मेंबर्स, आई वुड यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द कमेटी. द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर हैज कम फ्रॉम चेन्नई. और जो फैमिली है, परिवार है, लिविंग इन द नेक्स्ट डोर हैज कम फ्रॉम चेन्नई. नोट, इफ वी रिफर टू द मेंबर्स ऑफ द कमेटी और फैमिली सेपरेटली, द कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब. अगर हम उनके मेंबर्स को सेपरेटली बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, तब इट टेक्स प्लूरल वर्ब. द कलेक्टिव बट इट मीन्स कलेक्टिव नाउन रिमेन्स सिंगुलर इन फॉर्म, दैट इज द कमेटी हैज हैव टेकन देयर सीट्स. द कमेटी हैव टेकन देयर सीट्स. ठीक है, अब कमेटी हैज नहीं आएगा, कमेटी हैव देयर टेकन देयर सीट, क्योंकि उसके जितने मेंबर हैं सब सारे सीट पे बैठ गए. रूल नंबर थ्री, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कॉमन नाउन बाई प्लेसिंग एन आर्टिकल बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल, रजनी इज अ ब्यूटी. ब्यूटी मीन्स अ ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, तो ब्यूटीफुल की गर्ल हो गई ये रजनी. ठीक है, तो रजनी इज अ ब्यूटी मीन्स रजनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, रूल नंबर फोर, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ऑल्सो बी यूज इन द सेंस ऑफ कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कलेक्टिव नाउन के सेंस में भी रूप यूज कर सकते हैं. व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज कलेक्टिव नाउन, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. यूथ आर द पिलर्स ऑफ एक्शन. अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यूथ, और अब इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है. यूथ इज नहीं होगा, यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, रूल नंबर फाइव, व्हेन अ मटेरियल नाउन डिनोट्स अ मास ऑफ मैटर, इट इज नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म. जब हम मास ऑफ मैटर को नाउन के रूप में डिनोट करते हैं, तो इट इज नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज होता है. देयर हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. Their house is built of bricks and stones. Incorrect है, इसका होगा their house is built of brick and stone. Bricks and stone नहीं होगा, brick and stone. Some nouns have the same form for plural as well as for the singular. The following are the some nouns that belong to this category. Sheep, species, deer, एयरक्राफ्ट, ऑफ स्प्रिंग, योक, स्पेस, क्राफ्ट, सेलम, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल एक जैसे ही होते हैं, सेम कैटेगरी में रहते हैं, सेम तरीके से होते हैं. रूल नंबर सेवन, सम नाउन्स आर यूज इन द सिंगुलर ओनली. कुछ नाउन होते हैं जो इनका हम केवल सिंगुलर के रूप में ही यूज करते हैं.
द फॉलोइंग आर सम नाउन्स दैट बिलोंग टू दिस कैटेगरी. एडवाइस, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस ही होता है. कॉर्न, ग्रेन, जस्टिस, क्लॉथिंग, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, हेयर एक्सेट्रा. दीज नाउन्स आर यूज एज सिंगुलर ओनली, नॉट एज प्लूरल. ओके गाइज, नोट, एडवाइस इज द नाउन फॉर्म एंड एडवाइस इज द वर्ब फॉर्म. एडवाइस क्या है? नाउन फॉर्म है. और एडवाइस क्या है? ये वर्ब फॉर्म है. एडवाइस ऑफ द डॉक्टर इज दैट आई शुड नॉट स्मोक, एंड डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू स्मोक. तो पहला जो एडवाइस है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है, और एडवाइज्ड जो है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ. सिमिलरली प्रैक्टिस इज नाउन एंड प्रैक्टाइज इज वर्ब. प्रैक्टिस क्या है? ये नाउन है, और प्रैक्टाइज क्या है? वर्ब. ओके गाइज, रूल नंबर 8, देयर आर सम नाउन्स विच आर यूज ओनली इन द प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, बॉल्स, जेनिटल्स, प्रोसीड्स, नप्सियल्स एंड डोलड्रम्स, सीयर्स, पैंटलून्स एंड इंटेस्टाइन्स, जिमनास्टिक्स, रिचेज, आउटस्कर्ट्स, ईयर रिंग्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, बाइसेप्स, प्रीमिसेस, थैंक्स, गैलोज एक्सेट्रा. दीज नाउन्स आर यूज ओनली इन प्लूरल फॉर्म. ओके गाइज, नाउ रूल नंबर 9, सम नाउन्स आर अपेरेंटली प्लूरल फ्रॉम प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन यूज. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मिसल्स एंड मम्प्स, इथिक्स. यहाँ यस लगा हुआ है, दे आर लुकिंग एज प्लूरल बट दे आर यूज एज सिंगुलर. द समन्स इज इन सिंगुलर एंड समन्सेस इज प्लूरल. ओके, रूल नंबर 10, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल. कैटल, पोलिस, पीपल, बर्मिन एंड पोलिट्री. कैटल, पुलिस, पीपल और बर्मिन, पोलिट्री को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. ओके गाइज, रूल नंबर 11, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी एक्सेट्रा, कंसीडर्ड एज अ होल, द वर्ब मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट. अब यहाँ 10,000 के अकॉर्डिंग हम वर्ब को प्लेस करेंगे, ना कि रुपीज के अकॉर्डिंग. 6 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. 6 किलोमीटर्स, अब किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाएंगे, यहाँ हम 6 के अकॉर्डिंग लगाएंगे. 6 एक नंबर है और सिंगुलर है, इसलिए हम यूज करेंगे. 6 किलोमीटर्स इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस फॉर रनर लाइक यू. रूल नंबर 12, इनानिमेट ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, टेंडरनेस, वीकनेस एंड सो ऑन, आर ट्रीटेड एज द फेमिनाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, वर्चू, पीस, चैरिटी, फेम, नेचर, होप, जस्टिस, मर्सी, पिटी, फॉर्च्यून, ट्रूथ, विक्ट्री, डिफीट, मॉडेस्टी, लिबर्टी एक्सेट्रा. दीज आर रिफर एज फेमिनाइन जेंडर. पोइट्स रिफर टू देम एज फेमिनाइन जेंडर. पोइट्स भी अपने आप को फेमिनाइन जेंडर के रूप में रिफर करते हैं. एंड इनानिमेट थिंग्स विच आर नोन एज नोन फॉर द स्ट्रेंथ, करेज, वायलेंस, सुपीरियरिटी एंड सो फोर्थ आर ट्रीटेड एज मैस्कुलाइन. इस प्रकार के जो नाउन्स होते हैं उनको मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन, डेथ, समर, विंटर, वार, एंगर, फियर, थंडर एक्सेट्रा. नोट, द पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इज फॉर्म्ड व्हेन वी पुट एस टू द नाउन्स. एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं नाउन को तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव केस. द गर्ल्स ड्रेस, द बॉयज पैंट्स. द पॉजिटिव केस इज यूज विद द नाउन्स ऑफ लिविंग थिंग्स बट नॉट विद द इनानिमेट ऑब्जेक्ट्स.
हम लिविंग थिंग के साथ ही एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे टेबल्स लेग इनकरेक्ट है, टेबल्स लेग क्या होगा, इनकरेक्ट है, लेग ऑफ टेबल होगा। ओके, द पॉजेसिव इज यूज विद द नेम्स ऑफ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, डेथ्स आईसी हैंड, जैसे पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या है, डेथ्स आईसी हैंड। अब यहाँ डेथ को पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए हमने पॉजेसिवनेस का यूज किया। रूल नंबर 14, व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली द एपोस्ट्रोफी आफ्टर यस। जैसे गर्ल्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा दिया एस के बाद, तो मतलब गर्ल्स हॉस्टल, मतलब ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। बर्ड्स नेस्ट, तो बर्ड्स एस के बाद नेस्ट लगा, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। रूल नंबर 15, When the noun is plural but does not end in s, possessive case is formed by adding apostrophe s. तब हम apostrophe s का यूज करते हैं, जैसे men, men के आगे हमने apostrophe लगाया, फिर s लगाया, men's club हो गया, children's park, women's day. Rule number 16, When a noun or a title consists of several words, the possessive case is formed by adding apostrophe s to the last word. जब बहुत सारे वर्ड्स हों किसी नाउन के अंदर, बहुत सारे वर्ड्स लगे हैं, तो हम लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको पॉजिटिव केस में ले आते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, अब यहाँ हम प्राइम में लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, मिनिस्टर में लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, इसलिए इंडियाज में लगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच। द किंग ऑफ द भूटान्स विजिट, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट टू इंडिया। रूल नंबर 17, व्हेन टू और मोर प्रॉपर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड एंड कॉमन नाउन पोजेशन इज मीन, द पॉजेसिव केस विल बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द लास्ट नाउन एग्जांपल्स। जैसे अमर एंड कुमार्स हाउस इज रियली ब्यूटीफुल, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें पॉजेसिवनेस क्रिएट करना है, पोजेशन शो करना है, तो लास्ट वाले नाउन में हमको एपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है। Note, this sentence denotes that the house belongs to both Amar and Kumar. Rule number 18, when there are two nouns in opposition, the possessive case will be formed by adding apostrophe s to the second noun. For example, penicillin, Fleming's discovery. Penicillin, Fleming's discovery has saved the lives of many people. मोहन द प्रोफेसर सन, मोहन द प्रोफेसर सन, ठीक है, इज वेरी इंटेलिजेंट। रूल नंबर 19, द पॉजेसिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन विल बी फॉर्म्ड बाय एडिंग यस टू द लास्ट वर्ड। जो कंपाउंड नाउन जो दो वर्ड से मिलके बने होंगे, उसमें हम लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी लगा के ही उसको पॉजेसिव केस में ले आएंगे। जैसे सिस्टर इन लॉज हाउस, कमांडर इन चीफ्स ऑफिस। ओके, रूल नंबर 20, इफ द लास्ट सिलेबल ऑफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस और सी ई, द नाउन इज फॉलोड बाय द वर्ड सेक, पॉजेसिव केस ऑफ द नाउन विल बी फाउंड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी ओनली नॉट एस। हाउएवर मॉडर्न डे द इंग्लिश एक्सेप्ट द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस आफ्टर एपोस्ट्रोफी एज द वर्ड इज प्रोनाउंस, सो दैट इज गुडनेस सेक। फॉर एग्जाम्पल, goodness sake, for justice sake, for conscience sake, for use sake. Okay guys, this is all about for today. I hope you have enjoyed the session and understood the topic. Even if any doubt is there, you can write a comment and message me directly. I will give you proper solution. Thanks a lot for watching my video. And kindly like and subscribe and share it so that more and more people can be benefited and you also be benefited the next videos. Thank you. Thanks a lot.